हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम भी यहाँ पर ठीक हैं। तो इधर आ चुकी है ये मैडम भी ना दोगे तैयार होके। हाँ जी, तैयार नहीं हुई अभी, तैयार होंगी अभी। पहले 1 किलो क्रीम लगाएगी, फिर 1 किलो फाउंडेशन लगाएगी। मैं सिर्फ CTM करती हूँ, क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ओनली, और कुछ नहीं लगाती हूँ। अच्छा, CTM, दैट इज अ पार्ट ऑफ। मैंने सोचा किसी शहर का नाम है CTM। नहीं। तो इधर भी आपको पीछे एक शख्स दिख रहा है। हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो बड़ा जोश आ रहा है, क्या बात है? तो सुबह सुबह जोश में है भाई। आज तूने जैकेट पहन रखी है, मैंने तो आज देखी है। तो गाइस देखो, ये मेरी जैकेट है, अभी खड़ी होके आपको दिखाती हूं। मैं ना राजस्थान गई थी, मैंने वहां भी पहननी थी। गाइस को पता है, तो मैंने तो आज देखी भाई, पर उस दिन से रखी ठंड इतनी थी। हां हां, तो ये हाफ है और ये वैसे भी कॉटन की है ना। बढ़िया लग रही है भाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी जैकेट, ये रिवर्सेबल है। इधर से मैंने ये वाला कलर दिखाया था पहले आपको, आज मैंने ये वाला पहना है। तो अब बसंती मौसम चल रहा है ना, तो येलो बसंत पंचमी पहन ली। हाँ, तो ये पहनूंगी। तो हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नहीं, कुछ नहीं कहना। तो बसंत पे ये पहन लिया, मजा आएगा। अच्छा, बढ़िया लग रही है। हाँ, बढ़िया लग रही है। पता है किसने दी थी? सुनी चलती होगी। हाँ, वो पहन के आई थी, कहती तू पहन ले। मैंने फिर पहन ली। मम्मी ने जैकेट मार ली मासी की। नहीं, उन्होंने खुद ही दी थी। वैसे भी बहनों का ये फायदा होता है, कोई चीज दूसरी बहन ने पहनी ना, मार लेता बंदा। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हमारी ना दरअसल फिटिंग भी सेम है। फिटिंग फिटिंग की शक्ल भी सेम है इनकी। तो शक्ल तो पता नहीं, लेकिन शक्ल भी सेम है। सुनीता मासी और इनकी तो शक्ल भी मैच होती है। तो बस फिर मैंने पहन ली, आज मेरा मूड किया मैंने पहन ली। तो बस आज का मौसम हो रहा है बहुत खराब। मैं पूरा नहीं, मैं इधर से कर। हाँ जी, की बना रहे तुसी? आज मैं बना रही हूँ अचार के मसाले का परोंठी। अचार के मसाले का पराठा। ओ माय गॉड, पहले भी तेरे को खिलाया ही है कि? हाँ, गाइस को नहीं पता ना। तो फिर ये बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगता है तो पता ही है। ऑडियंस भी जो बनाती होएगी, गाइस ये कभी ट्राई नहीं किया होगा सबने। अचार पे जो मसाला होता है उसका पराठा बनाओ ना, बड़ा क्रिस्प और टेस्टी बनता है। ऐसे ही खा सकते हो, कुछ भी जरूरत नहीं है इसके साथ। बटर हो बस उसके ऊपर, बस वो घी मक्खन जो लगाना लगा लो, और इस तरह से पूरा अच्छे से लगा के, और हम इसे पराठे की तरह सिंपल रोल करके और आप फोल्ड करके बना देंगे। दिखाती हूँ मैं आपको जब बन जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, ये मेरा अचार का पराठा एकदम से तैयार है, और साथ में मैंने दाल ले ली है। बस करते हैं इसे एंजॉय। तो गाइस मैं बना रही हूँ आलू गोभी। तो गोभी को फ्राई करके बनाऊंगी। पहले सरसों के तेल में ना आलू को फ्राई कर लेती हूँ। आलू थोड़े से देर से गलते हैं, और गोभी जब गल जाती है जल्दी, तो उसको कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। तो इधर गोभी को धो के मैंने टोकरी में रख दिया। इसका भी पानी थोड़ा ड्रेन आउट हो जाएगा, फिर हम बाद में थोड़े आलू फ्राई हो जाएंगे डालेंगे गोभी। इधर गूंद लेती हूँ आटा। तो मलाई वाले पतीले में गूंदती हूँ आटा, जैसे आपको पता ही है। तो देखो कितनी मलाई है साइडों में, ये सारे अच्छे से साफ हो जाएगी अपना, और आटा भी गूंद जाएगा हमारा। तो इधर बस आलू फ्राई हो जाते हैं, फिर डालेंगे हम गोभी। ये बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से ना फ्राई करके। तो गाइज मौसम तो ख़राब था ही, और लाइट ने भी हमें परेशान करके रख दिया। उधर से बारिश आ रही है, सब बार बार बाहर आते हैं उठ के फ़ोन। अंदर ना पता नहीं क्या हो गया, रेंज ही नहीं आती। ये बोलते रहते हैं हेलो हेलो, इनको फ़ोन कर करके खांसी और उठ जाती है। फ़ोन नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिला क्या? फ़ोन मिल नहीं रहा। आज कपड़ों का मुहूर्त निकलेगा ही नहीं शायद। नहीं को कपड़े ऐसे कैसे पड़े हुए, ना लाइट है ना पानी है, मशीन में अलग पड़े हैं, ये अलग पड़े हैं, उधर अलग पड़े हुए हैं। और इधर आलू तो फ्राई हो गए थे, अब डाल दी मैंने गोभी। गोभी को भी अच्छे से फ्राई करते हैं, और टमाटर और हरी मिर्ची डालूंगी मैं, फ्राई हो जाएगी उसके बाद में। और इस तरह से बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी ना। तो अभी इसे होने देते हैं फ्राई। थोड़े से हल्दी और नमक पहले डाल दूंगी मैं। शराब पीने वालों के ऊपर एक जोक है। ओके, शराबी आदमी जब शराब ज़्यादा पी लेता है तो उसको होश नहीं रहता कुछ भी, नाली में गिर जाता है, नाली में गिरता है, कुत्ते मुंह चाटते हैं, चलता रहता है। तो एक शराबी अपने घर जा रहा था शराब पीने के बाद, तो घर के दरवाजे पहुंच के उन्हें चाबी निकाली ताला खोलने के लिए। अब वो हिल रहा, शराब इतनी पी रखी उसने, अब वो चाबी लेके ताले में लगावा है,
और हिलने की वजह से चाबी लगने लगी उसके अंदर। तो अड़ोसी पड़ोसी आ गए भाई, तो एक पड़ोसी कहने लगा भाई नू कर तू चाबी मेरे को दे मैं खोल देता हूँ। तो शराबी क्या जवाब देता है, ओ भाई खोल तो मैं लूंगा ताड़ा, बत्ती मकान ने पकड़ ले मकान हलने लग रहा बिल्कुल ही। ये तो अच्छा।